भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा दिल्ली के 938 बूथों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के मौके पर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों व उनकी महानताओं से अवगत कराने का कार्य किया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी पार्टी के राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, स्थानीय निगम पार्षद अर्पणा गोयल और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्ग को भी सम्मानित किया गया। इसी मौके पर राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर देश हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे हम सभी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर देश में हमारी विचारधारा, एकात्मानवाद और अंत्योदय के लक्ष्य की संकल्पना माने दीनदयाल जी ने उस समय दी और उनके सपने को साकार आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज बनी है, 17 राज्यों में सरकार भी है और पार्टी का जनाधार 1967 के बाद सबसे अधिक है। इसमें जनाधार किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का। यह पंडित दीनदयाल जी के विचार और पंडित दीनदयाल जी के जो उन्होंने कार्य करने का लक्ष्य देखे उसी के कारण है और प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के लोकप्रियता और उनकी नीतियों के कारण आज इस स्थान में पहुँचे। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर हमारे पूरे देशभर में कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में भी सभी बूथों पर कार्यक्रम लगभग हुआ। हमारे IPSL लॉट के बूथ नंबर 129 जो गाजीपुर गांव में है उस पर आज ये कार्यक्रम किया गया, जिसकी संरचना संरचना पवन चौधरी जी ने की। और बहुत ही गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अरुण सिंह जी जो राज्यसभा सांसद भी हैं वो आज यहाँ पर आए। उन्होंने हमें सामाजिक संवाद के तहत एक कार्यक्रम किया जहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव जो है हमें एक अच्छे राष्ट्र को संकल्पित प्रकल्पित करने में मदद करता है। ऐसे लोगों का हमने सम्मान किया। साथ ही उन्होंने आई सभी जनता के साथ बूथ के लोगों के साथ संवाद करके जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मानवाद अंत्योदय की परिकल्पना को परिभाषित करके बताया किस प्रकार से देश को आगे बढ़ेगा।